हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट यू रिपेयर। दोस्तों आज मैं यूनिक ट्रिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर कभी भी आपका इस तरह से कोई डिस्प्ले का कनेक्टर या फिर बोर्ड का कनेक्टर अगर ख़राब हो जाता है, तो बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा। ये ट्रिक मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों ने पहले देखा होगा, तो अगर ये ट्रिक देखते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छी चीज़ सीखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कोई भी जैसे कि ये बैटरी होता है, बैटरी का अगर पत्ता ये वाला जो है, अगर ये कनेक्टर अगर आपका टूट जाता है तो आप कैसे इसको आसानी से रिप्लेस करेगा, मैं यूनिक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको चाहिए होगा एक इस तरह का बिट, आयरन में जो लगता है, जो ये देखिए जो आयरन है ये मेरा, ठीक है। तो आपको देखिए मैंने एक बिट लिया है, इसको बिट को जो है मैंने नया बिट ये आपको 10-15 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। और इसको मैंने मोड़ दिया है, देख लीजिए इसको मैंने इस तरह से मोड़ दिया है। और मोड़ने के बाद ये बिट को आपको क्या करना है, इस तरह से जो आयरन में इसको लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आयरन का बिट को इसको खोल दिया है, हम इस तरह से इसको मैंने इस तरह इसको ठोक करके जो है इसको बिट को बनाया है। और बनाने के बाद हम इसको हीट करेंगे, तो हम इस तरह से आयरन के बिट को यहाँ पे हम रखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि ये हीट हो गया होगा, ये देखिए धुआं आ रहा है, इसे पेस्ट लगाने पे काफ़ी हद तक ये हीट हो गया, ठीक है, ये हीट हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से हम इस पॉइंट को अच्छे से घिस लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कार्बन आ जाता है तो हम इसको घिस लेंगे सिरिंज पेपर से, ये हमारे पास ये जो है पेस्ट है, इस पेस्ट को ये ब्रेंटो का पेस्ट मैं यूज़ करता हूँ, ये आपको ऑफलाइन मार्केट में मिलता है, ठीक है। तो मैं ये ब्रेंटो का पेस्ट जो है हम इस पे लगा लेते हैं जो कनेक्टर है। ठीक है, पेस्ट लगा लिया। और चलिए हम इसको भी इस तरह से निकालते हैं, इस पे ऐसे रखना है और 1 सेकेंड में जो है ये आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इतनी आसानी से आपने कभी भी कोई भी कनेक्टर नहीं निकाला होगा, ठीक है। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है, देखिए ये देखिए टूटा हुआ कनेक्टर मेरा कितनी आसानी से निकल गया। इस साइड में कहीं कुछ भी कुछ नहीं जला है और कनेक्टर बिल्कुल मेरा देखिए एकदम साफ तरीके से, कहीं कोई प्रिंट नहीं मिसिंग हुआ है। तो ये कनेक्टर देखिए मेरा सही है और ये टूटा हुआ डिस्प्ले का है, तो हम इसको भी इसी तरह पेस्ट लगा करके एकदम आसान तरीके से देखें निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका भी बहुत अच्छी तरह से ये निकल गया है, पहले वाला डिस्प्ले हम उस पे जो है ये वाला कनेक्टर लगाएंगे। इस कनेक्टर को लगाने से पहले हम थोड़ा सा और पेस्ट लगा लेते हैं ताकि जो है ना मेरा कनेक्टर है वो हिले ना, ठीक है, वो चिपक जाए। पहले इसको आराम से इसकी जगह पे आपको टिकाना है, ठीक है। दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने इसको एकदम आराम से टिका दिया है
और अब क्या करना है, बस इसको आपको हल्का सा यहाँ पे इस तरह से रखना है, ठीक है। बस हल्का सा अगर रखने के बाद जो है हल्का सा सोल्ड हो जाएगा, और उसके बाद जो है आप इसको अच्छी तरह से आपको हल्का सा रखना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि वो आराम से जो है वो सारा सोल्ड हो जाएगा इसका पिन, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी चिमटी से हिलाना डुलाना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा सोल्ड हो गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसको डिटेल में दिखाता हूँ कि ये किस तरह से सोल्ड हुआ है, तो वॉश करके, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ कि ये मतलब किस हद तक का जो ये सोल्ड हुआ है। और ये ट्रिक आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट करके, ठीक है। तो हम इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने साफ कर दिया है, और साफ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना किस क्वालिटी से ये सोल्ड हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सारा पॉइंट जो है इसका अच्छी तरह से सोल्ड हो गया है, कहीं भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है। से फिर से वही ट्रिक एक बार और आजमा के देखते हैं इस बैटरी कनेक्टर में कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम पहले इसको ठीक है डाल के देखते हैं, देखिए दोस्तों कितने आसान तरीके से देखिए मेरा जो है ये कनेक्टर निकल गया है। तो देखिए दोस्तों मैंने बिठा लिया है, अभी यार कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इसको इस पे इस तरह से टच करना है, तो ये देखिए अभी मेरा जो है ये भी फिर से दोबारा से लग गया है। अभी हम इसको कितना भी वॉश करें या कुछ भी करें, तो मैं देखिए इसको वॉश कर रहा हूँ फिर भी ये नहीं निकलेगा, ये देख लीजिए, ठीक है, एकदम अच्छी तरह से फिर से दोबारा से सोल्ड हो गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको इस तरह का कनेक्टर भी आपको निकालना है, तो आपको आयरन जो है वो ज़्यादा वाट का यूज़ करना होगा ताकि वो ज़्यादा हीट करे, तो आप पीछे से हीट करके इसको भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने ये भी ट्राई किया हुआ बहुत आसानी से निकल जाता है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।